रोल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नोडल ऑफिसर्स फॉर जनरल इलेक्शन। सामान्य निर्वाचन के लिए नोडल अधिकारियों की भूमिका, कर्तव्य और जिम्मेदारियां। दिस वीडियो इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर वाई पी सिंह ऑफ एसआर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। यह वीडियो केवल जनरल गाइडेंस के लिए बनाया गया है। इसे भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन, रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन व लॉस को ही मान्य किया जावे। नोडल अधिकारी कौन होते हैं? नोडल अधिकारी वह अधिकारी होता है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए जिम्मेवार होता है, साथ ही उस कार्य से संबंधित प्रशासन भी उसमें निहित होता है। नोडल ऑफिसर इलेक्शन एक्सपेंडिचर। एक वरिष्ठ अधिकारी जो SDM या ADM से निम्न स्तर का ना हो को व्यय लेखा दल का नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। नोडल अधिकारी द्वारा व्यय निगरानी कार्य में संलग्न विभिन्न टीमों के लिए ट्रेनिंग आयोजित करना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को विभिन्न ई फाइलिंग की प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न प्रपत्रों और एफिडेविट शपथ पत्रों को समझाने हेतु ट्रेनिंग दी जाएगी। अपूर्ण प्रपत्र दाखिल करने या दाखिल न करने या निर्धारित तरीके से दाखिल न करने या सही खाते न दिखाने के परिणाम स्वरूप उम्मीदवारों, अभिकर्ताओं को समझाया जाएगा। प्रतिदिन के खातों, नकदी रजिस्टर और बैंक रजिस्टर को बनाए रखने और परिणामों की घोषणा के बाद अंतिम खाते को दर्ज करने की प्रक्रिया भी समझाई जाएगी। अभ्यर्थियों से निर्वाचन व्यय लेखा प्राप्त किया जाएगा, इसकी जांच की जाएगी व आयोग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। अनुविभागीय अधिकारियों से प्राप्त निर्वाचन प्रचार सामग्री में किए गए व्यय आंकलन रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अभ्यर्थी के व्यय लेखा में जोड़ा जाएगा। चुनाव अवधि के दौरान सभी सार्वजनिक बैठकों, रैलियों की वीडियोग्राफी करवाएंगे। वीडियोग्राफी टीम द्वारा प्रदाय क्रिटिकल घटनाओं, आम सभा, जुलूस आदि के प्रकरणों पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नोडल अधिकारी आदर्श आचरण संहिता को आवश्यक रूप से सौंपेंगे। नामांकन की जांच के बाद प्रशिक्षण का आयोजन करेंगे। सहायक व्यय प्रेक्षक भी प्रशिक्षण में उपस्थित होंगे। परिणाम की घोषणा के 26वें दिन अकाउंट रिकॉन्सिलेशन मीटिंग आयोजित की जाएगी। नोडल ऑफिसर एक्साइज। नोडल अधिकारी आबकारी निर्वाचन में शराब से होने वाले खतरे पर अंकुश लगाएंगे। चुनाव की तारीख की घोषणा से मतदान की तारीख तक कार्यवाही करेंगे। शराब के उत्पादन, लाइसेंस प्राप्त स्टॉकिस्ट के स्टॉक की सीमा, दैनिक रसीद और विदेशी शराब, बियर, देशी शराब के खुदरा विक्रेताओं और शराब वेंडिंग मशीनों के खुलने और बंद होने के समय, उत्पादन के आंकड़ों के संदर्भ में बारीकी से जांच करेंगे व पिछले वर्ष की बिक्री का आंकड़ा भी देखेंगे। RTO चेकपोस्ट पर वाहनों की अंतरराज्यीय आवाजाही पर गहन चौकसी रखी जाएगी। आबकारी विभाग के विशेष कर्मचारियों द्वारा सीमा चौकियों पर अधिसूचना की तारीख से निर्वाचन तक 2400 घंटे निगरानी रखी जाएगी। राज्य में सभी डिस्टिलरी और वेयर हाउस को पुलिस गार्ड के साथ 2400 घंटे CCTV मॉनिटरिंग के तहत निरीक्षण में रखा जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी शराब उचित लाइसेंस के बगैर जारी न हो। राज्य में अवैध शराब के भंडारण या परिवहन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। सीमावर्ती राज्यों के नोडल अधिकारी आबकारी के साथ समन्वय रखेंगे, ताकि विदेशी शराब, बियर और देशी शराब के अवैध अंतरराज्य परिवहन को रोका जा सके। प्रत्येक दूसरे दिवस निर्धारित प्रोफार्मा में CEO ऑफिस को रिपोर्ट भेजेंगे व इस रिपोर्ट की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी और व्यय प्रेक्षकों को भी देंगे। नोडल ऑफिसर MCC। आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित टीम में एक जिला स्तरीय नोडल अधिकारी और 3 या अधिक राजपत्रित अधिकारी होंगे। यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो उचित कार्यवाही के लिए संबंधित मामले की रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी को देंगे। MCC उल्लंघनों के संबंध में प्रतिदिन भेजी जाने वाली रिपोर्टों का संकलन करेंगे। राजनीतिक दलों से समन्वय स्थापित करेंगे। नोडल अधिकारी व्यय लेखा द्वारा प्रदान की गई महत्वपूर्ण क्रिटिकल घटनाओं, आम सभा, जुलूस आदि के प्रकरणों पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। नोडल ऑफिसर काउंटिंग EVM। मतगणना टेबल पर मतगणना केंद्रों के क्रमानुसार कंट्रोल यूनिट के वितरण की व्यवस्था करेंगे।
इस तरह के वितरण का हिसाब भी रखेंगे। नोडल ऑफिसर ऑब्जर्वर परीक्षा से संबंधित सभी मामलों में समन्वय करेंगे, निर्वाचन क्षेत्र की सामान्य जानकारी के लिए पुस्तिका तैयार करेंगे और उसकी प्रति ऑब्जर्वर्स को उपलब्ध करावेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट समय पर भेजी जावे, प्रोटोकॉल व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, परीक्षक के आगमन, प्रस्थान, बोर्डिंग, लाइजन ऑफिसर की व्यवस्था एवं आवश्यक सामग्री, परिवहन, सुरक्षा, टेलीफोन, कंप्यूटर, प्रिंटर इत्यादि की व्यवस्था करेंगे। नोडल ऑफिसर माइक्रो ऑब्जर्वर माइक्रो ऑब्जर्वर के लॉजिस्टिक एंड डिप्लॉयमेंट संबंधी कार्यों को संभालेंगे, सामान्य परीक्षक और माइक्रो ऑब्जर्वर के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। नोडल ऑफिसर स्वीप चुनाव अवधि और गैर चुनाव अवधि के दौरान जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जागरूकता हेतु स्वीप कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे, डिस्ट्रिक्ट स्वीप प्लान को तैयार करेंगे और अंतिम रूप देंगे, मतदाता को शिक्षित करने के लिए पहल करेंगे, विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संगठनों के साथ साझेदारी में कार्य करेंगे, मतदान समाप्ति के पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से जिले में स्वीप गतिविधियों पर प्रलेखन तैयार करेंगे, सभी शिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालयों, विद्यालयों से संपर्क स्थापित कर नवीन छात्र छात्राओं के नाम जोड़ने की कार्यवाही करेंगे, आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संपर्क कर मतदान हेतु प्रचार प्रसार करेंगे। नोडल ऑफिसर पोलिंग स्टेशंस मतदान केंद्रों का भौतिक रूप से सत्यापन कर जिला निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से तर्कसंगत योजना तैयार करेंगे, नोडल अधिकारी को अल्पसंख्यकों, समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए काम करने वाले एनजीओ, नागरिक संगठनों से प्राप्त इनपुट के आधार पर लिखित रिपोर्ट तैयार करनी होगी। नोडल ऑफिसर कम्युनिकेशन संचार योजना तैयार करेंगे, मतदान केंद्र पर संचार के साधनों का विवरण जैसे मोबाइल फोन, इंटरनेट, वायरलेस, लैंडलाइन टेलीफोन या निकटतम पुलिस स्टेशन, डाकघर के टेलीफोन विवरण एकत्र करेंगे, पर्यवेक्षकों के मोबाइल नंबर, संपर्क नंबर, सेक्टर अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी के मोबाइल नंबर भी एकत्र करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक मतदान केंद्र के संबंध में उपयुक्त विश्वसनीय व्यक्तियों के नाम और उनके टेलीफोन या मोबाइल नंबर के विवरण तैयार रखेंगे, संपर्क के किसी अन्य साधन की अनुपस्थिति में दो धावकों को मतदान केंद्र और निकटतम टेलीफोन वायरलेस प्रतिष्ठान के बीच संदेश का आदान प्रदान करने के लिए तैयार रखेंगे। एसएमएस निगरानी का परीक्षण मतदान से एक माह पहले से 15 दिवस पहले तक पूर्ण कर लेंगे, एसएमएस निगरानी प्रणाली में प्रशिक्षण और पोल डे मॉनिटरिंग और अन्य संबंधित कार्य से संबंधित प्रशिक्षण भी आयोजित करेंगे, वेबकास्टिंग गतिविधियों को भी देखेंगे। नोडल ऑफिसर ईटीपीबी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट से संबंधित समस्त प्रक्रिया की निगरानी व व्यवस्था करेंगे। नोडल ऑफिसर पोस्टल बैलेट डाक मतपत्र से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेंगे, प्रेषित डाक मतपत्रों का विवरण रजिस्टर में रखा जाएगा और डाक अधिकारियों के हस्ताक्षर रजिस्टर में प्राप्त किए जावेंगे। नोडल ऑफिसर पुलिस से पुलिस का डाक मतपत्र हेतु डेटा संग्रहित करेंगे, नोडल अधिकारी परिवहन से ड्राइवरों, क्लीनर, कंडक्टरों के डेटा डाक मतपत्र हेतु संग्रहित करेंगे, चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के डेटा का संग्रहण नोडल अधिकारी टीम गठन से प्राप्त करेंगे, डाक मतपत्र हेतु सुविधा केंद्र के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, निर्वाचन आयोग के पत्र 7 मार्च 2014 के अनुसार कार्य करेंगे। नोडल ऑफिसर पुलिस सुरक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे, नोडल अधिकारी डाक मतपत्र के साथ समन्वय में पोस्टल बैलेट सुविधा की व्यवस्था करेंगे, संपत्ति विरूपण की कार्यवाही में जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करेंगे, क्रिटिकल असेसमेंट और वल्नरेबिलिटी मैपिंग करेंगे, चुनाव कानून से संबंधित अपराधियों, हिस्ट्री शीटरों, स्थानीय गुंडों या असामाजिक तत्वों की सूची तैयार रखेंगे, बल तैनाती योजना बनाएंगे, CAPF के लिए कल्याणकारी उपाय करेंगे, रिटर्निंग अधिकारी के परिसर क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि नामांकन संवीक्षा के समय कक्ष में निर्दिष्ट व्यक्ति ही प्रवेश करें, पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी,
यह सुनिश्चित करेंगे कि कानून और व्यवस्था की दैनिक रिपोर्ट राज्य के नोडल अधिकारी तक समय पर पहुंचे। नोडल ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर कानून एवं व्यवस्था पर कार्रवाई करेंगे, मतदान के समय सुरक्षा व्यवस्था करेंगे, स्ट्रांग रूम तथा मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था करेंगे, सिटी केबल्स के प्रसारण पर निगरानी रखेंगे, कानून एवं व्यवस्था संबंधित दैनिक प्रतिवेदन भेजेंगे। जिला स्तर पर राजनीतिक दलों अभ्यर्थियों को आम सभा रैली ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति हेतु कार्रवाई करेंगे। विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। वनरेबल एवं क्रिटिकल मतदान केंद्रों की मैपिंग एवं मतदान के दिन उन पर तदनुसार व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। जोनल ऑफिसर सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करेंगे। नोडल ऑफिसर ट्रांसपोर्ट संसाधनों के डेटाबेस की तैयारी करेंगे, रूट चार्ट तैयार करेंगे, आवश्यक वाहनों की व्यवस्था करेंगे, वाहनों की ईंधन मरम्मत के लिए पूर्व नियोजित व्यवस्था करेंगे, वाहनों का आवंटन करेंगे, अपेक्षित वाहनों की लॉगबुक तैयार करावेंगे, अधिकृत वाहनों को समय पर छोड़ेंगे, वाहन मालिकों को अधिकृत वाहनों का भुगतान करावेंगे, अधिकृत वाहनों के सभी ड्राइवर कंडक्टर क्लीनर के लिए डाक मत पत्र की व्यवस्था करेंगे। नोडल ऑफिसर मीडिया सेल जानकारी निर्देश ब्रीफ प्रेस नोट इत्यादि को प्रसारित करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था करेंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को दैनिक आधार पर प्रेस कटिंग जमा करेंगे, मान्यता प्राप्त मीडिया सदस्यों को कार्ड सौंपेंगे, मीडिया और अन्य सभी संबंधित के साथ सूचनाओं का निरंतर आदान प्रदान करेंगे, चुनावों के अंत में प्रेस की कटिंग के रिकॉर्ड को जिला निर्वाचन कार्यालय को सौंपेंगे। निर्वाचन प्रेक्षकों को निर्वाचन से संबंधित निर्देशों सूचनाओं की दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित जानकारी का संकलन उपलब्ध करावेंगे। मतगणना स्थल पर प्रेस कक्ष की व्यवस्था एवं प्रेस के सदस्यों को प्रवेश पत्र उपलब्ध करावेंगे। पेड न्यूज की समीक्षा एवं एमसीएमसी समिति की बैठकें आयोजित करावेंगे। नोडल ऑफिसर ईवीएम राज्यों जिलों के मध्य ईवीएम वीवीपैट के सुचारू परिवहन के लिए समन्वय करेंगे। निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 30 अगस्त 2017 के अनुसार ईवीएम वीवीपैट की एफएलसी करावेंगे। ईवीएम वीवीपैट से संबंधित प्रविष्टि ईटीएस सॉफ्टवेयर में करेंगे। ईसीआई द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार ईवीएम वीवीपैट का प्रदर्शन की व्यवस्था करेंगे। राजनीतिक दलों उम्मीदवारों को ईसीआई निर्देशों के अनुसार ईवीएम के बारे में समय समय पर सूचित करेंगे। 4 दिसंबर 2018 को ईसीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एवं मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सेट करेंगे एवं स्ट्रांग रूप में रखवाने की व्यवस्था करेंगे। मतदान पश्चात पुनः ईवीएम वीवीपैट को विधानसभा वार क्षेत्रवार स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवाने की व्यवस्था करेंगे। नोडल ऑफिसर पीडब्ल्यूडी वोटर्स सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारी या कर्मचारी इसके नोडल अधिकारी होंगे। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं का एक डेटाबेस तैयार करेंगे। मतदान केंद्रों पर पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए एएमएफ सुनिश्चित करेंगे। नोडल ऑफिसर कंप्लेंट कॉल सेंटर प्राप्त शिकायतों का पंजीयन एवं निराकरण करेंगे। समय पर शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करेंगे। प्राप्त शिकायतों एवं उनके निराकरण की दैनिक जानकारी संकलित कर जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। नोडल ऑफिसर पोलिंग टीम निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार करेंगे, प्रशिक्षण आदेश वितरित करेंगे। एनआईसी के समन्वय से जनरल ऑब्जर्वर की उपस्थिति में मतदान दल हेतु रैंडमाइजेशन की व्यवस्था करेंगे। निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए विभिन्न दलों का गठन करेंगे। मतगणना दलों का गठन, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक के नियुक्ति आदेश जारी करना एवं प्रशिक्षण व्यवस्था हेतु संबंधित प्रभारी अधिकारी को सूचित उपलब्ध करावेंगे। मतदान सामग्री वितरण एवं वापसी हेतु अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करावेंगे। मतगणना कक्ष में मतगणना सामग्री एवं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वितरण व्यवस्था हेतु अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। मतगणना कक्ष में टेबुलेशन एवं परिणाम कार्य हेतु अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं अन्य सामग्री की सीलिंग कार्य हेतु अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। नोडल ऑफिसर एनआईसी केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के डेटाबेस को इकट्ठा करेंगे।
कर्मचारियों का रैंडमाइजेशन कार्य करेंगे। रैंडमाइजेशन का दूसरा कार्य जनरल ऑब्जर्वर के सामने करेंगे। नोडल ऑफिसर मतदान दल के साथ समन्वय में टीम का गठन करेंगे। नोडल ऑफिसर बैलेट पेपर, डमी बैलेट पेपर, डमी ब्रेल बैलेट पेपर, ईवीएम बैलेट पेपर, पोस्टर बैलेट पेपर आदि की उचित छपाई हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे। मतपत्र के समय पर परिवहन, उचित भंडारण, वितरण और बैलेट पेपर से संबंधित अन्य सभी कार्य सुनिश्चित करेंगे। नोडल ऑफिसर ट्रेनिंग, उन सभी कर्मियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सुनिश्चित करेंगे जिनकी ड्यूटी निर्वाचन संबंधी कार्य में लगी है। नोडल ऑफिसर मटेरियल मैनेजमेंट, चुनाव कार्य के लिए आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता और व्यवस्था का आकलन करेंगे। चुनाव कराने के लिए आवश्यक सामग्रियों की क्रय प्रक्रिया करेंगे। वितरण और प्राप्ति केंद्र पर उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मतदान दलों को प्रदाय की जाने वाली संपूर्ण निर्वाचन सामग्री के पैकेट तैयार करावेंगे। मतगणना स्थल पर समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे। नोडल ऑफिसर इलेक्ट्रल रोल, मतदाता सूची की चिन्हित कार्यशील प्रतियां तैयार करेंगे। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को मतदाता सूची की प्रतियां उपलब्ध करावेंगे। मतदाता पर्ची के मुद्रण और बीएलओ के माध्यम से वितरण की व्यवस्था करेंगे। नोडल ऑफिसर वेलफेयर, कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्ति की जाएगी। मतदान कर्मियों के कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जैसे ट्रेनिंग सेंटर पर, डिस्पैच सेंटर पर और रिसीविंग सेंटर पर। मतदान केंद्र पर चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे। मतदान कर्मियों के मतदान केंद्र में उचित परिवहन हेतु नोडल अधिकारी परिवहन के साथ समन्वय करेंगे। सीईओ से अनुमोदन प्राप्त कर भौगोलिक रूप से कठिन इलाकों में मतदान केंद्र में मतदान से पहले मतदान दलों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मतदान पूरा होने के बाद मतदान कर्मचारियों को परिवहन सुनिश्चित करेंगे। सेक्टर अधिकारी के माध्यम से मतदान केंद्र में विशेष रूप से महिलाओं के संबंध में उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मतदान से एक दिवस पूर्व व मतदान के दिवस मतदान कर्मियों को भोजन पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। नोडल ऑफिसर टेबुलेशन, मतगणना पश्चात टेबुलेशन एवं गणना परिणाम तैयार करेंगे। गणना परिणाम से संबंधित समस्त जानकारियां तैयार कर आयोग को प्रेषित करेंगे। नोडल ऑफिसर कंट्रोल रूम, जिला कंट्रोल रूम की सामान्य व्यवस्था करेंगे। समय समय पर प्राप्त निर्देशों सूचनाओं की जानकारी का एकत्रीकरण एवं प्रेषण करेंगे। क्रिटिकल घटनाओं से संबंधित प्राप्त जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को तत्काल उपलब्ध करा देंगे। इस वीडियो में हमने नोडल ऑफिसर्स के निर्वाचन से संबंधित कार्य समझे। यदि आपके कोई सजेशंस हों तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के माध्यम से कॉन्टैक्ट करें। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।